आसमान में उड़ान भरता हेलीकॉप्टर कभी हमारे लिए किसी अचरज से कम नहीं हुआ करता था। इसकी आवाज आते ही हम घर से बाहर निकलकर बड़े चाव से इसे देखने के लिए दौड़ लगा देते थे। ये तो सभी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे बड़े पंखे की मदद से ये जमीन से ऊपर उड़कर हवा में उड़ान भरता है, लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है, हेलीकॉप्टर हवा में कैसे मुड़ता है और कैसे आगे पीछे चलता है? आज जानेंगे ये कैसे काम करता है। हवाई जहाज के ऊपर लगा पंखा घर में लगे सीलिंग फैंस की तरह ही होता है। ये हवा को ऊपर से नीचे की ओर धकेलता है, यही वजह है कि जिससे हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर की तरफ उड़ पाता है। यहाँ बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए रोटेटिंग विंग्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें ब्लेड्स कहते हैं। इनकी सहायता से हेलीकॉप्टर वो सब कुछ कर पाता है जो हवाई जहाज के लिए बिना विंग्स के करना पॉसिबल ही नहीं है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब गति बढ़ेगी तो दबाव घटेगा और जब हवा की गति कम होगी तब दबाव बढ़ता है। इस तरह हवा की गति और प्रेशर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विंग्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनके ऊपर का भाग कर्व रहता है जबकि विंग्स के नीचे का भाग समतल होता है। विंग्स का ये शेप अपने ऊपर से गुजरने वाले वायु की गति को नीचे से गुजरने वाली वायु के मुकाबले बढ़ा देता है, जिससे ऊपर की हवा का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे की हवा का प्रेशर बढ़ जाता है। इससे विंग्स को ऊपर उठने में मदद मिलती है। इस तरह दाएं बाएं या आगे पीछे जाता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर रोटर ब्लेड्स की मदद से ही हवा में दाएं बाएं या आगे पीछे चलाया जा सकता है। इसके लिए 5 बेसिक मूवमेंट और स्टीयरिंग कंट्रोल होते हैं, जिनमें 2 हैंड लीवर्स कलेक्टिव और साइक्लिक पिच, 1 थ्रोट और 2 फुट पैंडल शामिल होते हैं। हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इन अलग अलग कंट्रोल के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है। इसे मूव कराने के लिए पायलट साइक्लिक पिच में घुमाते हुए ब्लेड्स में से एंगल चेंज करता है। ऐसे हेलीकॉप्टर को लेफ्ट राइट मूव कराना है तो दाएं तरफ से ब्लेड के एंगल को बढ़ाकर बाएं तरफ के ब्लेड को एंगल कम किया जाता है। इस प्रकार से आगे की तरफ हेलीकॉप्टर को मूव कराने के लिए फ्रंट में रोटर ब्लेड्स के एंगल को कम करके बैक रोटर ब्लेड्स के एंगल को बढ़ाया जाता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।